भूपति मन माही। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ एक बार भूपति मन माही भयउ गरानि मोर सुत नाही। उन चक्रवर्ती सम्राट को भी जीवन में एक बार ग्लानि हो गई। आप भी कहते हैं ना, बड़ी ग्लानि हमको हो गया है, बड़ी हीनता हो गई है, बड़ी न्यूनता हो गई है। ग्लानि का अर्थ है हीनता, न्यूनता, निम्नता, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, शांति की कमी, आनंद की कमी, प्रेम की कमी। जीवन में इन सब चीजों की जब कमी आती है तो कहते हैं ग्लानि हो गया है, बड़ी ग्लानि हम हैं, चित्त में शांति नहीं है। और ग्लानि का तो हम इतना ही अर्थ समझते हैं कि कोई चोरी करके आए और बाद में चोरी नहीं करना चाहिए तो उसको ग्लानि हो गया, या रोज वही काम करते हैं और करने के बाद ग्लानि होती है। हम लोग यही समझते हैं, साधारण अर्थ समझते हैं ग्लानि का मतलब, कि ग्लानि का मतलब यही होता है। नहीं नहीं, न्यूनता, धर्म की न्यूनता, जीवन में अशांति का आगमन हो गया, जीवन के श्रेष्ठता के पद से आप नीचे गिर गए तो ग्लानि हो गई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की हानि मतलब ग्लानि। सीधी बात, धर्म की हानि मतलब, हाँ तो देश में हुआ कि नहीं, तुम्हारे जीवन में धर्म की हानि मतलब तुम्हारे जीवन में ग्लानि। धर्म की हानि का मतलब क्या है? धर्म क्या है? सत्य को धारण करने की क्षमता जिसके भीतर में नहीं है वो धर्मशील नहीं है। जिसका जीवन झूठ, कपट, बेईमानी, अत्याचार, अनाचार, व्याभिचार इत्यादि पर चलता है उसके जीवन में धर्म नहीं है, अर्थात वो ग्लानि में है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ग्लानि हो गई किसको? किसको हो गई? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, इक्ष्वाकुवंश महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई रघुवंश,